शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि मंगलवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 12:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में चलते रहेंगे। मकर राशि के राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज चावल खाने से परहेज करें। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक हंसमुख, सहनशील, सुंदर, धनी, दानी और विख्यात होते हैं। ये धार्मिक भावना वाले, सर्वगुण संपन्न और व्यापार में लाभ उठाने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्तता और भाग दौड़ में बीतेगा। आज केतु और चंद्रमा दोनों आपके 10वें घर में विराजमान हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा स्तर आपके हर काम को सफल बनाएंगे। पत्नी की प्रेरणा और सलाह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मगर थोड़ी मानसिक उलझन बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल होगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अच्छे कामों में पूंजी निवेश का योग चल रहा है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पिता से संबंधित कार्यों में खर्च होगा। संबंधित मामलों में यात्रा और भाग दौड़ की स्थिति संभावित है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। नई व्यवसाय की योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। अनुमानित मात्रा में आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी। देव दर्शन के योग बनते हैं और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नई योजनाओं को कार्य रूप में बदलने का समय चल रहा है। आपकी योजनाएं लाभदायक परिस्थितियों में बनी रहेंगी। नई योजनाओं की साझेदारी सफल रहेगी। संबंधित कार्यों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। कर्क राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र और पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी होगी। संबंधित मामलों में पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से परेशानी खड़ी हो सकती है। मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। सकारात्मक पहल करते हुए हर समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपका संयमित जीवन आपके स्वास्थ्य को सही बरकरार रख सकता है। पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। नई नई योजनाओं के लिए आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर सहायक सिद्ध होगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मन मुताबिक उत्साह बना रहेगा। मामा पक्ष से चिंता संभावित है। यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना होगा। कन्या राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता और पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे। आपकी व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। नए निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में व्यवधान संभावित है। विवाह प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों को नई योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक होंगे। आपके कामों की अधिकता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है।
विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के प्रयास आर्थिक लाभ को गति देंगे। आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखनी होगी। विश्वासघात की संभावना बनती है। वाहन सावधानी से चलाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास रुक सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। दांत मसूड़े व पित्त से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। आँख और दांतों से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा हर काम को सफल बनाने के लिए सक्षम होगी। आर्थिक लाभ के नए प्रस्ताव और नए अवसर मिल सकते हैं। जमीन और वाहन संबंधी निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। वाणी की मधुरता और धैर्य के साथ हर काम को करते जाएं, सफल रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छे और शुभ काम का संयोग आज बना हुआ है। व्यावहारिक पक्ष सक्रिय रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अनावश्यक वाद विवाद को नज़रअंदाज करना होगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। दांत और आँखों से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी होगी। मौसम संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी रोग संभावित हैं। मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च हो सकता है, मगर व्यावसायिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वाद विवाद संबंधित मामलों में शांति बनाए रखें। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करना पड़ेगा और धार्मिक यात्राएं संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा। अपने ऊपर आलस्य को हावी ना होने दें। योजनाओं के विकास की दर और आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि नए व्यावसायिक अवसर मिलते रहेंगे। आपको अपनी सक्रियता को बरकरार रखना होगा। अधिक जोखिम भरा आर्थिक निर्णय उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।